नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी का तीसरा टाइप का प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। तीसरे टाइप का प्रश्न जो होता है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो आइए कुछ समांतर श्रेणी की मैं छोटी छोटी चीज बताता हूँ कि समांतर श्रेणी आपने पहला और दूसरे भाग में मैंने बताया है, अभी तक उसको देखे नहीं तो आप वीडियो के नीचे जाकर के पहला और दूसरा भाग बेसिक चीजें समझ लीजिए समांतर श्रेणी का क्या होता है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जब किसी संख्याओं को एक क्रम में लिखा जाता है, और जब किसी संख्याओं को एक क्रम में लिखा जाता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके ये अनंत तक जा सकता है, और ये एक क्रम में लिखी गई है संख्याएं, और इन दोनों क्रमांगत दो संख्याओं के बीच का अंतर समान पाया जा रहा है। अगर हम 4 में से 2 को घटाएं तो 2 मिलेगा, 6 में से 4 को घटाएं 2 मिलेगा, 10 में 8 में से 6 को घटाएंगे 2 मिलेगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि दो क्रमांकित संख्याओं के बीच का अंतर समान आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये संख्याएं एक समांतर श्रेणी में लिखी गई हैं। और इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, पहला पद आप देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग करता है वही पहला पद होता है, तो पहला पद आपका देख रहे हैं कि 2 है। और सर्वांतर क्या होता है कि जब दो क्रमांकित संख्याओं को एक दूसरे से घटाया जाता है, बड़ी वाली संख्या में छोटी को, आगे वाली संख्या में पीछे को, तो उसका अंतर यानी कि 4 में से जब 2 को घटाएंगे 2 मिलेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 मिलेगा, तो यही सर्वांतर इसका कहलाता है, जिसे अंतर आप सर्वांतर बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे सर्वांतर क्या होता है और इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है। अब इसी प्रकार से इस समांतर श्रेणी में एक क्रम बढ़ता हुआ जाए, पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का 20वां पद अगर आपसे पूछा जाए कि 20वां पद क्या हो जाएगा, तो 20वें पद के लिए आप जानते हैं कि फार्मूला मैंने बताया है पहले दूसरे भाग में कि a+19d, मतलब कि जो संख्या कही जाती है निकालने को, जो पद पूछा जाता है उसका पहला पद जोड़ करके उस संख्या में से एक घटा कर दिया जाता है और उसके समांतर से गुणा कर दिया जाता है, तो समांतर श्रेणी का वह पद निकल जाता है। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी का 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो 50वें पद के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा a+, अब 50वां पद पूछ रहा है घटाएंगे तो 49d हो जाएगा, ये 50वें पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे कह दिया जाए कि इसका 17वां यानी कि 70वां पद ज्ञात कीजिए, 70वां पद के लिए क्या हो जाएगा a+ आपका 69d। इसी तरह से अगर कह दिया जाए किसी समांतर श्रेणी का 90वां पद ज्ञात कीजिए, 90वां पद ज्ञात करने कहा जाए तो 90वें पद के लिए a+(n-1)(d), क्यों 90वां पद, क्योंकि जिस पद को पूछा जाता है उसमें से एक घटा करके हम उसके सर्वांतर से गुणा करते हैं, तो उस पद का मान वो आपका क्या हो जाता है, उसमें से एक कम कर दिया जाता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह से आपको पूछता है कोई समांतर श्रेणी का 18वां पद, 20वां पद, 90वां पद, तो आपके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब छोटी छोटी चीज कुछ हम और बता देते हैं आपको, जैसा कि अगर आपने पहला दूसरा भाग नहीं देखा हमारा समांतर श्रेणी का, तो आप जरूर देख लीजिए कि उसमें छोटी छोटी चीज बताई गई है। तो यहां से अगर किसी समांतर श्रेणी का हम फार्मूला लिखें, तो पहला पद समांतर श्रेणी का a होता है, दूसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा a+d, तीसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा a+2d, चौथे पद के लिए फार्मूला बनेगा a+4d। इसी प्रकार से आपका आगे भी जा सकता है, चाहे जो पद पूछा जाए। 20वें पद के लिए अभी हमने फार्मूला बताया था कि 20वें पद के लिए आपका फार्मूला बनेगा a+19d, 50वें पद के लिए फार्मूला बनेगा a+49d, 100वें पद के लिए फार्मूला बनेगा a+99d, 150वें पद के लिए फार्मूला बनेगा a+149d। तो ये इस प्रकार से कोई भी समांतर श्रेणी का अगर कोई पद पूछता है तो आप इस तरह से फार्मूले को से निकाल सकते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब सीधा आपको हम प्रश्न पर ले चलते हैं। ये चीज हमने पहले पार्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से दूसरे पार्ट में बताया है, इसलिए बता रहा हूं कि इसका इसमें यूज होगा, इसलिए आप जानते रहिए। तो देखिए, इसका हम पहला सवाल देखेंगे कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। देखिए, तीसरा पद 5 है, यहां से कह रहा है तीसरा पद 5 है, तो तीसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा a+2d।
ए प्लस टू डी बराबर आप देख रहे हैं ये पांच के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर एक। और दूसरा आप कह रहे हैं कि और सातवां पद नौ है, ये सातवां पद आपको बता रहा है कि नौ है, यानी कि सातवें पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस सिक्स डी बराबर आपका नौ है। तो आपको निकालना क्या है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह श्रेणी क्या बन रही है जिसमें उसका तीसरा पद पांच है और सातवां पद नौ है। तो अब इस समीकरण एक से दो को घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब यहाँ से ए कट जाएगा आपका, सिक्स डी में से दो डी को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस फोर डी, और माइनस नौ से चार पांच को घटाएंगे तो माइनस चार आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा डी बराबर आपका एक आ जाएगा, यानी कि इसका इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर आपको मिल गया। सर्वांतर जब मिल गया तो समीकरण आप देख दे रहे हैं ए प्लस टू डी बराबर फाइव, ये समीकरण नंबर एक में। अब d का मान एक रख देते हैं तो यहाँ एक रखेंगे तो इसका गुणा करेंगे दो होगा, दो की इधर पश्चांतर कर देंगे तो a बराबर मिल जाएगा आपको तीन, a बराबर मिल जाएगा तीन, यानी कि समांतर श्रेणी का पहला पद तीन है और सर्वांतर आपका एक है। जब सर्वांतर और पहला पद मिल जाता है तो समांतर श्रेणी को बना सकते हैं, और उस समांतर श्रेणी का कोई अगर पद पूछता है तो आप फार्मूले के अनुसार निकाल सकते हैं। अब पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, अब देखिए पहला पद आपको देख रहे हैं तो समांतर श्रेणी का पहला पद ये आपका तीन हो जाएगा। जब सर्वांतर एक है तो एक एक बढ़कर अगला पद होगा, अब इसमें यहाँ तीन रखेंगे यहाँ एक रखेंगे, ये मान आपका चार हो जाएगा, ये मान आपका पांच हो जाएगा, ये मान आपका छह हो जाएगा। इसी तरह से यह अनंत तक जा सकता है। कोई अगर इसी समांतर श्रेणी का अगर आपको ए पता है यानी कि पहला पद पता हो गया है, सर्वांतर पता हो गया है, अगर इसी समांतर श्रेणी का पचासवां पद पूछता है, पचासवां पद, तो पचासवां पद के लिए आप फार्मूला लगाएंगे। अभी अभी हमने बताया है कि ए प्लस उनचास डी हो जाएगा, तो ए बराबर देख रहे हैं कि तीन है, यहाँ से आप उनचास लगाएंगे, उनचास हो जाएगा यहाँ से, और सर्वांतर एक है एक रखेंगे, अब तीन और ये उनचास जोड़ देंगे तो ये आपका पचासवां पद क्या हो जाएगा, पचासवां पद आपका बावन हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं, इसका दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद पंद्रह, पच्चीसवां पद उनचास, तो समांतर श्रेणी का पचासवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का आठवां पद, आठवें पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस सेवन डी, आठवां पद बराबर आपको देख रहे हैं कि पंद्रह दे रखा है, और उनचासवां पद और पच्चीसवां पद, सॉरी पच्चीसवां पद बराबर उनचास है, पच्चीसवां पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस आपका चौबीस डी, ए प्लस चौबीस डी, ये बराबर आपका है उनचास के, ये बराबर उनचास के है। तो इस समांतर श्रेणी का पचासवां पद ज्ञात कीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर दो। अब इसमें से घटाएंगे यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, सब में प्लस है तो माइनस माइनस, ए से कट जाएगा, चौबीस डी में से सेवन डी को घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा उधर आपका माइनस सत्रह डी, माइनस सत्रह डी, और इसमें से जब घटाएंगे उनचास में से पंद्रह को तो माइनस चौंतीस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, अब यह आपका चौंतीस बटे सत्रह, सत्रह दुना चौंतीस, यानी कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना निकल गया दो। अब इसी सर्वांतर से आप इसी समीकरण में रख करके a प्लस सेवन डी बराबर पंद्रह, ये पहला समीकरण है, अगर हम यहां रखते हैं सर्वांतर की जगह दो तो सात दुनी चौदह, इधर पश्चांतर कर देंगे तो यह पंद्रह में से चौदह घट जाएगा, तो समांतर श्रेणी का पहला पद आ जाएगा एक और सर्वांतर आ जाएगा दो, मतलब कि सर्वांतर इसका दो है और ये आपका पहला पद ए है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पचासवां पद ज्ञात कीजिए, पचासवें पद के लिए फार्मूला क्या बनेगा, पचासवां पद बराबर बनेगा फार्मूला ए प्लस उनचास डी, ए बराबर आप देख रहे हैं कि वन और उनचास, उनचास लिखिए और डी बराबर दो, यहां से वन और नौ दुनी अठारह, चार दुनी आठ, एक नौ, अट्ठानवे और एक मिलकर निन्यानवे, मतलब इसका पचासवां पद क्या होगा, पचासवां पद आपका निन्यानवे होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न आपको बताते हैं, इस सब अलग ढंग के प्रश्न है, हर एक टाइप का प्रश्न आपको बताते हैं जो एक ही तरह से है, अनेक प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न लोग देखेंगे कि रिक्त स्थानों को भरिए
जो एक समांतर श्रेणी में है। पहला दिया गया है यहाँ से बॉक्स बना है यानी कि डॉट कमा दिया गया है, फिर दूसरा पद आपका 13 है, तीसरा पद आपका बॉक्स है, चौथा पद आपका 3 है। फिर ये दूसरा सवाल यानी कि बी वाला है। तो पहले पद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला पद खाली है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद आप देख रहे हैं खाली है, चौथा पद 4 है। तो इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद यहाँ देख रहे हैं कि 13 है, तो दूसरा पद आपका दूसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस आपका ए प्लस डी। दूसरा पद आपका 13 है, दूसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस डी बराबर आपका 13। और इस समांतर श्रेणी का ये आप तीसरा पद देख रहे हैं खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद आप देख रहे हैं कि 3 है। चौथे पद के लिए फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस 3D, जो आपके 3 के बराबर है। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए माइनस माइनस करके। अब यहाँ से घटाएंगे तो माइनस 3 में से घटाएंगे तो माइनस 2D, और 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 आएगा। संख्या बड़ी है, इसके सामने एक चीज प्लस है, तो डी बराबर हो जाएगा 10/2 माइनस इधर आ जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा -5। अब इसी डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ए प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर -5 है, इधर जाएगा तो आपका 13 और प्लस में 5 हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 18। मतलब उस समांतर श्रेणी का पहला पद आपका 18 हो जाएगा, सर्वांतर 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि पहला पद क्या होगा, पहला पद तो आपका देख रहे हैं 18 होगा, यहाँ 18 लिख दीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं कि तीसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो तीसरे पद के लिए अभी फार्मूला हमने बताया था कि ए प्लस 2D, ए बराबर आप देख रहे हैं कि 18 और 2 है 2 रखिए, डी बराबर आप देख रहे हैं कि -5, ये हो जाएगा 18 और -10, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 आपका। इसका तीसरा पद क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब इसके बगल का जो सवाल दिया गया है उसको हम देख लेते हैं कि बी वाला, इसमें का जो रिक्त स्थान को भरने को दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला पद आपका -4 है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, छठवां पद 6 है। मतलब इस समांतर श्रेणी का पहला पद आप देख रहे हैं कि -4 है और छठवां पद यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठवां पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस 5D जो बराबर है 6 की। अब यहां से ए बराबर -4 को इधर ले जाएंगे तो 5D बराबर हो जाएगा 6 + 4 बराबर किधर प्लस हो जाएगा 5D बराबर 10, डी बराबर हो जाएगा 10/5 भाग देंगे 2 तो डी आपका 2 मिल गया। इस समांतर श्रेणी का पहला पद आप -4 पाए हैं, तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद यहां से -4 देख ही रहे हैं। दूसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस 2D, चौथे पद के लिए फार्मूला बनेगा आपका ए प्लस 3D। इस प्रकार से आप जिसमें खाली स्थान है सब में निकालकर आप भर सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार। इसको आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। अब हम लोग इसका चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल क्या दिया गया है, चौथा सवाल देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से यानी कि 10वें पद से 7 अधिक है तो श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर यानी कि डी का मान ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद के लिए फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस 16D। 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद के लिए फार्मूला बनेगा ए प्लस 9D। उसका सत्रहवां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है, 17वां पद अधिक है। यहां से 7 जोड़ देंगे तो अधिक हो जाएगा। जब ये अधिक हो जाएगा तो इसका 10वां पद और 17वां पद प्लस 7 ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसका सर्वांतर निकालना है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं ए है तो ए से कट जाएगा, 16D इधर हो, अब इसके सजाती पदों को इधर लाएगा -9D हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे +7 को तो ये -7 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा -7D यहां से, और ये बराबर हो जाएगा -7। अब डी बराबर आपका हो जाएगा -7/7 भाग देंगे तो -1। इसका सर्वांतर क्या आ जाएगा इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर आ जाएगा -1। तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको मिलता है तो आप इस तरह से उसका सर्वांतर निकाल सकते हैं।
ये आपका हमने पहले बताया कि ये अर्थमेटिक पर है, केवल समझने की बात है कैसे इक्वेशन आप कोई बना सकते हैं। तो आप इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे मैं इक्वेशन बनाकर आपको समझा रहा हूं, तो आप अच्छे ढंग से इस प्रकार से इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए हम पांचवा सवाल देखते हैं इसका। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 17वां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है मतलब कि तीसरे पद के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2d बराबर ये 16 है। ठीक, ये इक्वेशन बन गया आपका एक। आगे कह रहा है कि 17वां पद पांचवें पद से 12 अधिक। सातवां पद कौन पद? सातवां पद। सातवें पद के लिए फॉर्मूला आपका बनेगा a प्लस 6d। सातवां पद इसके पांचवें पद से, पांचवां पद क्या हो जाएगा आपका a a प्लस 4d। पांचवें पद से कितना अधिक है? इसके सातवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो ये सातवां पद इसका 12 अधिक है इसके पांचवें पद से। अब यहां से हम a प्राप्त कर लेंगे इस समांतर श्रेणी से, तो यहां से ये कट जाएगा, a कट जाएगा, तो यहां से 6d इसको इधर लाएंगे माइनस 4d हो जाएगा आपका। अब 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2d बराबर माइनस 12, तो डी बराबर हो जाएगा माइनस 12 बटे 2, भाग देंगे तो माइनस 6। मतलब इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना आ गया? सर्वांतर आ गया माइनस 6। अब इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर अगर 6 मिल गया है तो जो समीकरण नंबर एक हमने लिखा है ये वाला, इसमें आप इस डी का मान रख दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। ये क्या है? ए प्लस 2d बराबर 16। अब यहां से हम d की जगह रखेंगे माइनस 6 तो 12 हो जाएगा माइनस 12, और माइनस 12 को इधर ले जाएंगे अगर पश्चांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 2। मतलब कुछ समांतर श्रेणी का पहला पद 28 हो जाएगा और इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा? माइनस 6। यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर कितने का है? माइनस 6 का है। अगर कहा क्या जा रहा है आपको कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी ज्ञात करने को बोला है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या बनता है आपका? a a प्लस डी दूसरा पद, तीसरा आपका a प्लस 2d, चौथा आपका a प्लस 3d, इसी प्रकार से डॉट डॉट करके अनंत तक जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला पद आप क्या लिखाएगा आपका, देख रहे हैं पहला पद, यहां से हमें सर्वांतर 28 पाया है तो 28 रख दीजिए पहला पद, और यहाँ 28 रखेंगे सर्वांतर आप देख रहे हैं 6 है तो 28 में से 6 जाएगा आपका 22 आ जाएगा दूसरा पद, और तीसरा पद आपका इसी प्रकार से आप आगे रख करके आप सर्वांतर क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का इस टाइप का प्रश्न आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे अलग ढंग का कुछ प्रश्न आपको बताते हैं जो इसका अगला प्रश्न दिया गया है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। छठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी दिया गया है जिसमें पहला पद आप देख रहे हैं कि तीन है। अगर सर्वांतर इसका हम निकालें तो सर्वांतर कैसे निकलेगा? सर्वांतर यानी कि डी, यानी कि हम 15 में से जब 3 को घटाएंगे, 15 में से 3 को घटाएंगे तो इसका सर्वांतर हम पाएंगे कि इसका सर्वांतर 12 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि का कौन सा पद, अब हम मान लेते हैं कि इसका यनवा पद, यनवे पद के लिए फार्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 और d, n माइनस 1 इंटू डी। यनवा पद 54वें पद से, 54वें पद के लिए फार्मूला बनेगा a प्लस 53d, a प्लस 53d, ये आपका 54वां पद है। 54वें पद से 132 अधिक है, कौन अधिक है? आपका यनवा पद 132 अधिक है। ये फार्मूला आपका इक्वेशन बन गया, देखिए। तो इस प्रकार से है, तो कह रहा है कि कौन सा पद है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि a बराबर 3 है और d बराबर आपका 12 है, तो यहां से आप देख ही रहे हैं तो a इधर भी है, a इधर भी है, a से आपका कट जाएगा। n का मान आपको निकालना है, पद निकालना है, तो n का मान आपको निकालना है, तो n माइनस 1
और डी का मान आप देख रहे हैं कि यहाँ 12 है, 12 रख दीजिए, प्लस 132 इसको रख दीजिए, और आपका 53 और डी की जगह आप 12 रख दीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 12 एन हो जाएगा और माइनस 12, यानी कि यह है 132 और इसका गुणा कर दीजिए 12 36, 12 5 60, 60 3 63 ये हो जाएगा। इसको आप 12 एन और इसमें से जब घटा देंगे तो ये प्लस में आपका आ जाएगा 0 और यहाँ से 2 120 बराबर 636। पश्चांतर कर दीजिए, 12n बराबर 636 माइनस 120 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 और ये आपका आ जाएगा 5। 12n n बराबर 516/12, 12 16 24 36 48 होता है और यहाँ 3 बच जाएगा, 12 3 आपका 36, यानी कि n बराबर आपका आ जाएगा 43। n बराबर 43 कौन सा पद है, वह है 43वां पद है, वह 43वां पद है जो इसके 54वें पद से, जो इसके 54वें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 132 अधिक है। अगर देखिए, हम देखते हैं इसको, हम समझा देते हैं आपको, कह रहा है इसमें से कौन सा पद है, तो 54वां पद, 54वां पद का पहले हम मान निकाल लेते हैं। 54वां पद के लिए फार्मूला बनेगा a प्लस 53 डी, ए प्लस ए की जगह आप क्या रखेंगे, यहां से मिला है ए बराबर 3 और 53 डी की जगह आप रखेंगे 12, इसका मान हम निकाल लीजिए तो 12 3 36 और 12 5 60 और 60 आपका 3 आपका 63, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और ये आपका 3 और ये आपका 6। 639 इसका कौन सा पद है, ये आपका 54वां पद है। अब आप देख रहे हैं कि 43वां पद निकाल लीजिए, 43वां पद निकाल लीजिए, 43वां पद अगर निकालते हैं a प्लस 42d, a बराबर आप देख रहे हैं कि 3 अभी अभी आया था, 3 रख दीजिए और 42 और गुणे d बराबर आपका 12, d बराबर 12, ये 3 और इसको करेंगे 12 2 24 के 4 हासिल 2, 12 4 48 48 2 50, अब इसको जोड़ देंगे ये 7 0 5। अब देखिए 507 और 639 इसमें से घटाइए, 639 में से 507 को अगर घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 2 9, ये आपका 3, ये आपका ये, तो इसमें से पूरी तरीके से दिख रहा है कि 54वां पद जो है इसके 43वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। यह सवाल में भी कह रहा है कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसका कौन सा पद अधिक है, आपका 43वां पद 132 अधिक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो काफी लंबा सवाल पूछा जाएगा, 6 नंबर में आपको सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है, कंपटीशन में भी इस प्रकार का सवाल पूछ दिया जाता है, तो उसमें ऑप्शन आपका रहेगा, अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसका 17वां सवाल देख लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी का चौथा और आठवां पदों का योग 24 है, मतलब किसी समांतर श्रेणी का चौथा और आठवां पद का योगफल 24 है। चौथा पद हो जाएगा आपका a प्लस 3d, और चौथा पद और आठवां पद के लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस 7d का योगफल, यानी कि चौथा पद और आठवां पद का योगफल कितना बताया जा रहा है कि 24 बताया जा रहा है, ठीक। और आगे क्या कहा जा रहा है, इसको हवल कर देते हैं, इसको यहां से जोड़ देंगे तो यहां से हो जाएगा 2a और ये 3d और 7d, ये मिल करके 10d बराबर 24 हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक बन गया। आगे कह रहा है कि तथा इसका छठवां और दसवां पद, छठवें पद के लिए फार्मूला बनेगा a प्लस 5d और दसवां पद a प्लस 9d, इसका योगफल बताया जा रहा है कि 44 है, इसका योगफल 44 के बराबर है, ये आपका है। इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आपका 2a और प्लस में 5d 9d, 9 5 आपका 14d हो जाएगा, जो बराबर है आपका 44 की। अब देख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसी से हल कर दीजिए, इसी का अगर हल कर देते हैं, इसको घटाते हैं, इसके नीचे पहला समीकरण लिख देते हैं कि 2a प्लस 10d बराबर 24, ये पहला समीकरण है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को अगर घटाते हैं
तो आपका आ जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, घटा दीजिए यहां से 4d बराबर, आप घटाएंगे तो यहाँ 0 और 2, यहां से ये हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा 20/4, भाग देंगे तो 5, सर्वांतर इसका 5, सर्वांतर इसका अगर 5 आ जाएगा तो आपको निकालना क्या है, इस समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी पूछ रहा है निकालने के लिए, तब इस समांतर श्रेणी का पहला पद इसी समीकरण में रख दीजिए, ये पहला समीकरण दिख रहा है यहां से, तो 2a + 10d = 24, यहां से आप, यहां से 2a + 10 और d बराबर 5 = 24, यहां से 2a और ये 10 × 50 हो जाएगा, घटाएंगे तो 50, यहां से 2a बराबर हो जाएगा 50 घटाएंगे तो -26 और a बराबर आपका आ जाएगा -13, इसका पहला पद -13, सर्वांतर देख रहे हैं कि 5। अब समांतर श्रेणी बनाना है तो समांतर श्रेणी आप जानते हैं कि a + d, a + 2d, a + 3d, ये समांतर श्रेणी में a और d का मान रख करके एक समांतर श्रेणी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समांतर श्रेणी का हमने टाइप 2 का हर एक प्रकार का प्रश्न बता दिया हूं। आपको वीडियो जरूर से जरूर अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी के इससे भी हाईएस्ट लेवल का सवाल। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।